गैप्स और सजेशंस के उपरांत ये निर्देशित किया गया है कि जो ओटी हमारा अभी डिसफंक्शनल है उसको तत्काल ऑपरेशनल किया जाए, जो यहाँ पे इक्विपमेंट्स और मैन पावर की कमी है उसको आज ही हम स्वीकृत कर रहे हैं। हमारे पास मल्टीपल फंड सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो फंड्स इज नॉट एन इशू, सिर्फ एक विल पावर और कमिटमेंट चाहिए हमारे डॉक्टर्स की, तो दे हैव कम फॉरवर्ड एंड वी विल प्रोवाइड देम वट एवर दे वॉन्ट। जो हमारी पब्लिक को सर्विसेज मुहैया कराने में उनको कोई भी इक्विपमेंट्स और मैन पावर चाहिए। साथ ही जो यहाँ पर रेफरल के केसेस हमें कुछ वृद्धि लग रही है, तो उसके लिए वो रेगुलेट करने की आवश्यकता है, उसके लिए हमने दो तीन चेक बैलेंसेस बताए हैं, वो आज जारी कर दिए जाएंगे। और हमने सीएमओ साहब को भी और जो यहाँ पे हमारे अन्य स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उनको इनक्रेज किया, और ये जनहित में है कि वो कम से कम रेफरल करें, जहाँ पे जब हमारे इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, फैसिलिटी अच्छी बनी हुई है, तो ये कोशिश की जाए कि जो सर्जिकल केसेस हैं, इंटरवेंशंस हैं, उनको यहीं पे ट्रीट किया जाए। अनावश्यक पेशेंट्स को हरास करना या उसको उसकी सर्विसेज को हमें प्रोलॉन्ग करना हमारा उद्देश्य नहीं है, तो यहीं पे उनको जितना हम ट्रीट कर सकते हैं, एक्सेसिबल बना सकते हैं सर्विसेज को, वो बनाना चाहिए। सर, आपने मान लो कि नीचे में दौरान कहा था कि अम्बेडकर चौक पे बैरियर शिफ्ट करने की बात होती है, तो अभी जब हमारा टूरिज्म सीजन शुरू होता है तो ये इनपुट्स आए हैं हमारे ट्रैफिक एसपी साहब से भी और एसडीएम मैडम से भी कि क्यूइंग बहुत ज़्यादा हो जा रही है जस्ट एज व्हीकल टर्न्स अबाउट, तो वो पीछे हमारा बहुत ज़्यादा क्यू हो जाता है और उससे मिसमैनेजमेंट हो जाती है। तो एक अगर हमारा छोटा सा वहाँ पे चौंक बन जाए, सो व्हीकल उसके अराउंड होकर आएगा, तो ज़्यादा रेगुलेटेड फ्लो रहेगा ट्रैफिक का, इनफ्लक्स के लिए भी और आउटफ्लक्स के लिए भी, तो वो हमारा काम जल्दी शुरू हो जाएगा। सर, मसूरी की बात करें तो मसूरी में पुलिस की व्यवस्था जो देखी जाती है, नफरी पूरी ना होने के कारण बड़ी लंबे समय से मांग है कि यहाँ पे पुलिस नफरी यहाँ पे पूरी की जाए, क्योंकि व्यवस्था बनाने में पुलिस को काफ़ी परेशानी होती है। सर, हमारे एसएसपी साहब के साथ डिस्कशन हो चुका है, यहाँ पे सेटअप्स के लिए जितने बूथ्स चाहिए, जितने हमारे टेम्परेरी सेटअप्स चाहिए, उनको जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो हमने कंसेंट दे दिए, उनकी तरफ से प्रपोजल आएगा और उनको त्वरित रूप से फंड्स अलॉट कर दिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर के चलते हमारे लॉ एंड ऑर्डर में, हमारे क्राउड मैनेजमेंट में या हमारे ट्रैफिक रेगुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी।